साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे देके गया था। आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। आर तो उस दिन बर्फी खिलाया गया मेरे से। उस दिन आप डब्बा लेके आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिलाया गए थे। धन्यवाद मंत्री जी। वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, लेकिन हरियाणा सरकार के शिक्षा मंत्री तो वादा करके भूल जाते हैं और जब उन्हें उनके किए वादों और दावों की याद दिलाई जाती है तो वे मुकर भी जाते हैं। अब शिक्षा मंत्री कंवरपाल करे तो आखिर करे क्या, रोजाना अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब देने में ही गुज्जर का समय निकल जाता है तो शिक्षा क्षेत्र के लिए उनके पास समय कहाँ रहेगा। और तो और, जब शिक्षा के क्षेत्र में विकास नहीं होगा तो जनता को उल्लू बनाना भी तो एक कला है। इस बात को भी कंवरपाल गुज्जर अच्छी तरह से जानते हैं। इतने कटु शब्द आज हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि हिसार में आज हरियाणा के शिक्षा मंत्री का बड़ा झूठ मीडिया के सामने पकड़ा गया। पहले वीडियो देखिए और फिर आपको बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। वादा करके आया था वो पूरा कर दिया। अभी विधायक को फोन करो, उसके वहाँ के नहीं, मैं कह रहा हूँ वहाँ के विधायक को फोन करो, जो उससे साथ जो वादा किया था वो हमने पूरा कर दिया। वो स्वयं मिठाई का डब्बा मेरे पास लेके आया था और मुझे देके गया था। एक मिनट, एक एक पूछ लो। हाँ वो कर दी यूनिवर्सिटी, कर दी। आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे को फोन। वो वैसे ही जवाब दे दूसरा। हाँ जी, हाँ जी बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना। आर तो उस दिन बर्फी खिलाया गया मेरे से। उस दिन आप डब्बा लेके आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिलाया गए थे। धन्यवाद मंत्री जी। ठीक ठीक। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने बड़ौदा में कॉलेज और यूनिवर्सिटी बनाने का दावा किया था और जब यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य के बारे में उनसे पूछा गया तो मंत्री महोदय का कॉन्फिडेंस तो देखो, उन्होंने भरी सभा में ये तक कह दिया कि काम के बारे में विधायक से फोन करके पूछ लो। शायद उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वहां बैठे पत्रकार सच में विधायक को फोन करके ये बात पूछ लेंगे। और जब विधायक से मंत्री महोदय की बात करवाई गई तो उन्होंने क्या कहा उसे सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों की हंसी छूट गई। और ऐसा होता भी क्यों नहीं, सरेआम शिक्षा मंत्री झूठे साबित हो गए। आप भी फोन करो ना जी, करो मेरे लोग फोन। वो वैसे ही जवाब दे दूसरा। हाँ जी बालू जी, तेरी यूनिवर्सिटी वाला काम कर दिया ना। आर तो उस दिन बर्फी खिलाया गया मेरे से। उस दिन आप डब्बा लेके आए थे मेरे पास, मेरे से मिठाई खिलाया गए थे। धन्यवाद मंत्री जी। ठीक ठीक ठीक। विधायक इंदुराज नरवाल ने शिक्षा मंत्री के वादे को सिरे से नकार दिया और कहा कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज का काम नहीं हुआ है। विधायक की बात सुनकर चंद सेकंडों के लिए तो मंत्री महोदय के भी होश उड़ गए, लेकिन बात को कैसे संभाला जाता है ये कंवरपाल गुज्जर अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने बीच में ही विधायक की बात काट दी और फोन भी काट दिया। अब स्थिति तो असहज होनी ही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।